श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यात्रा दिनांक 22 जनवरी 2024 को सुबह 11 बजे से प्रारंभ होगा एवं प्रसाद का वितरण दिनांक 22 जनवरी 2024 संध्या 5 बजे। राम जी का पूजा हो रहा है। क्यों पूजा हो रहा है? वे अपने घर वापस आ रहे। अच्छा। हम लोग 22 तारीख को शोभा यात्रा यहाँ से निकाल रहे हैं, बेली रोड होते हुए पंचमुखी मंदिर हनुमान मंदिर तक हम लोग जाएंगे, शोभा यात्रा निकालेंगे। वहाँ रामचंद्र जी के जो प्राण प्रतिष्ठा है उसी उपलक्ष्य में हम लोग इसका शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। जय श्री राम। इतने वर्षों के तपस्या, इंतज़ार, इतने लोगों के बलिदान के बाद आज जो ये अवसर आया है कि भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है, लोगों में बहुत हर्ष है। हम लोग बहुत खुश हैं इस बात को, क्योंकि इतनी तपस्या जो लोगों ने की, हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम इस टाइम पे पैदा हुए जब हम इस मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। आज से 500 साल बाद, 1000 वर्षों बाद ये इतिहास का एक हिस्सा होगा। हम इसको वर्तमान में जी रहे हैं, इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं हो सकती। भगवान राम हमारे हिंदू एकता के प्रतीक हैं, पूरे विश्व में लोग बहुत खुश हैं इस बात को लेकर के। ये अलग बात है कि समय बहुत लग गया, उनको अपने घर में ही वापस आने में लगभग 1000 वर्ष लग ही गया देखा जाए तो, इसलिए बहुत खुशी का माहौल है। हम लोग उसके उपलक्ष्य में एक शोभा यात्रा यहाँ से निकाल रहे हैं, जो यात्रा हमारे यहाँ नेपाली नगर श्री हनुमान मंदिर से लेकर के राजवंशी नगर श्री पंचरूपी हनुमान मंदिर तक जाएगा। रास्ते भर लोगों में हर्ष और उल्लास रहेगा, झांकी निकाली जा रही है, रास्ते भर प्रसाद बांटेंगे हम लोग, गुलाल फूल अबीर से रास्ते भर हम लोग राममय होते हुए जाएंगे। जितनी बड़ी उपलब्धि आप भारत की आज़ादी को मानते हैं, हम लोग आज़ाद हुए बहुत बड़ी उपलब्धि थी वो, उसके बराबर की उपलब्धि है ये। इतने भगवान राम जो हमारे भगवान थे और जिन्होंने पूरे विश्व पर राज किया, आज हम राम युग की बात करते हैं, उनको अपने घर, अपना महल, अपना दरबार, अपना सिंहासन मिलने में इतने वर्ष लग गए, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। सो ये सभी राम भक्तों के लिए, सभी सनातनियों के लिए बहुत बड़ी बात है और हम बहुत खुश हैं इससे। उस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए हम ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। जय श्री राम। 22 जनवरी 2024 को हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर हम लोग अपने मोहल्ला मनसापुर हनुमान मंदिर से राजवंशी नगर के लिए एक अद्वितीय शोभा यात्रा करने की कोशिश में हैं, कर रहे हैं। चूँकि यह हर्षोल्लास जो है अद्वितीय है, हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे सनातन के लिए, हम सभी के लिए, और इसमें बढ़ चढ़ के हम लोग हिस्सा ले रहे हैं, ये बहुत ही खुशी का पल है। जय श्री राम सभी को। भगवान राम हमारे मर्यादा के पुरुषोत्तम, राम के चरित्र से हम लोगों को बहुत कुछ सीखना चाहिए। राम के नाम में ही इतनी महिमा है, राम रामे ति रामे ति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नामम वरानने। राम जी की एक बार नाम लेने से जो है सहस्त्र ईश्वर की नाम लेने की पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे में हम सभी भक्तों के लिए बहुत ही पुण्यदायी और पवित्र समय आया हुआ है। सभी भक्त लोग अपने अपने हर्षोल्लास के साथ भगवान की इस शुभ घड़ी का बरसों से बरसों के त्याग और बलिदान के अनुभूत में हम लोगों को प्राप्त हुआ है। हम लोग बहुत ही पुण्य फलदायी और पवित्र लोग हैं जो हम लोगों को इस समय हमारे वर्तमान में भगवान की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा देखने को प्राप्त हो रहा है। इसी के उपलक्ष्य में हम सभी लोग भगवान के इस उत्सव को मना रहे हैं। उत्सव के उपलक्ष्य में हमारे इस मोहल्ले के मंदिर में भगवान का राम नाम का संकीर्तन अखंड अष्टयाम 21 तारीख को इसी मंदिर पे होगा और 22 तारीख को सभी लोग शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर एक विशाल शोभा यात्रा यहीं शास्त्री नगर पंचमुखी हनुमान मंदिर में हम लोग भगवान राम की महिमा गुण गाते हुए सभी लोग सम्मिलित होंगे।
सभी भक्तों से यही कामना है, जो लोग जहाँ रहे सभी लोग उस समय उस पुण्य घड़ी में राम नाम के महिमा का जो है अपने अपने समय के हिसाब से भगवान का नाम जपे। भगवान के नाम को जपने से सभी भक्तों का कल्याण होगा, पुण्य की प्राप्ति होगी, सभी कष्टों का निवारण होगा। जय श्री राम। 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 हम लोग प्रचार वाहन के माध्यम से भी अपने पूरे मोहल्ला में पूरे नगर में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि 22 जनवरी को हम लोग शोभा यात्रा निकालेंगे, तो उसमें बहुत से महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग शामिल होंगे और इसको सफल बनाने के लिए हम प्रचार वाहन के माध्यम से भी सब लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जो सनातन धर्म मानने वालों के जो मनोकामना हजारों वर्ष बाद पूरी होने जा रही है, उसी के उल्लास में यह कार्यक्रम हम लोग रखे हैं ताकि लोगों को जागृत कर सकें, जय श्री राम का बहुत प्रचार प्रसार हो और सभी लोग हम सभी लोग इसमें मिलजुल के हिस्सा ले रहे हैं ताकि इस कार्यक्रम को और भव्य बनाया जा सके। राम नाम का संकीर्तन भी यहाँ होगा 24 घंटे का, उसके बाद सुंदरकांड का पाठ भी होगा और उसके बाद हम लोग उल्लास मनाएंगे श्री रामलला के स्थापना का। उनके प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।